ये बताइएगा किस तरह की याद आती है संचागे? नहीं, वो तो बहुत अच्छे थे, आज तक उनके मुंह से हमने कभी गाल गलूच नहीं सुनी। हमारा मल्लेदार है, बहुत अच्छा बच्चा था, कोई ऐसी उसकी हरकत देखी नहीं है जो मशहूर हो रही है मीडिया पे, ये वो। हमारे ख्याल से उसको पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि वो खानदान नहीं रही थे, उनके बाप भी सियासत के बिलोंग करते हैं, उसका खुद का प्रॉपर्टी का बिजनेस था वो। कभी उसने बदतमीजी से बात नहीं की, कभी उसने कभी गाली गलोच नहीं की, बड़े प्यार से बड़े अदब से बात करता था। जब भी कोई दाता साहब का उर्स होता था या महरम वगैरह होता था, इधर लंगर लगा के लोगों को तकसीम करता था। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान जना बुखारी और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राबी रोड पे, ये वही रोड है जहाँ से पुलिस की एक भारी नफरी जो है एहसन शाह को गिरफ्तार करके लेके गई। और इस वक्त मैं यहाँ पे, आप लोग मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ देख सकते हैं, मदनी कंप्यूटर कांटा, इसके साथ ही ये बारीक सी गली है जहाँ पे मौजूद है एहसन शाह का घर। ये गली जो है, मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखा सकें तो ये गली जो है टोटली बंद गली है, जैसा कि आप लोग पीछे देख भी सकते हैं। यहाँ पे मौजूद है, हम लोगों से जानते हैं, यहाँ पे जो एहसन शाह के अहले इलाके हैं, यहाँ पे मोहल्लेदार हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर वो एहसन शाह के बारे में कितना जानते हैं और क्या वाकई एहसन शाह उसके कत्ल में मुलव्वस है या नहीं है, ये चलते हैं लोगों से जानते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि एहसन शाह, क्या आप मोहल्लेदार हैं, ये बताइएगा किस तरह की याद आती है एहसन शाह की? नहीं, वो तो बहुत अच्छे थे, आज तक उनके मुँह से हमने कभी गाल गलूच नहीं सुनी। बहुत अच्छे माँ बाप के बेटे हैं, उनके वालिद साहब भी बहुत अच्छे थे। हाँ जी, वो तो दाता साहब का जब उर्स मुबारक होता है वो लंगर चलाते थे, अब रमजान शरीफ भी लोगों की इमदाद करनी थी। अमीर बलाज के जो घर वाले हैं वो तो एहसन शाह को बेटा मानते थे। हाँ, वो उनको बेटा मानते थे। आपको क्या लग रहा है कि अगर एहसन शाह होगा शामिल पूरी तरह से तो क्या सजा होनी चाहिए उसके लिए? लेकिन वो ऐसा नहीं है, नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक। मुझे ये बताएं, एहसन शाह को जानते हैं? जी। कैसा था? हमारा मल्लेदार है, बहुत अच्छा बच्चा था, कोई ऐसी उसकी हरकत देखी नहीं है जो मशहूर हो रही है मीडिया पे, ये वो। हमारे हाथों में जमा पला कोई ऐसी बात, करोड़ों रुपए लिए हैं उसने रखी करने के। तो देखो, ये मीडिया बता रहा, हमें तो इसका इल्म नहीं है। आपको क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, एहसन शाह ऐसा कर सकता है? यही कह रहा है, हमारे मल्लेदार है, हमने ऐसा कोई काम नहीं देखा उसने। नहीं, बात कैसी थी उसकी, आना जाना किस तरह के लोगों में होता था, उठना बैठना कैसा था? वैसे तो आना जाना माशाल्लाह, वो खानदानी है, कोई लल्लू पंजू तो आया नहीं था। सोशल मीडिया पे ये भी बातें की जा रही हैं कि एहसन शाह जो है, उनका जो बैकग्राउंड है, जो फैमिली वाले हैं, वो इतने अच्छे नहीं थे, उनके हालात इतने अच्छे नहीं थे। आपके बहुत अच्छे हालात थे उनके, उसका बाप भी अच्छा था, उनकी अपनी गाड़ी है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का काम भी था उनका, हमने ऐसा कोई काम देखा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, मेरे साथ मोहम्मद खुर्रम मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे अहले मोहल्ला भी हैं, अहले इलाके हैं, यहाँ पे एहसन शाह के साथ ही बिल्कुल गली के बाहर इनकी दुकान है, इनसे पूछते हैं। आखिर सर, मुझे ये बताइएगा कि एहसन शाह का आना जाना किस तरह का था, उसकी आदत कैसी थी? एहसन शाह का आना जाना ठीक था, इधर से जब घर से निकलता था हमारे पास आता, सलाम दुआ लेता था, हाल चाल पूछता था, चला जाता था, केवल 2-3 बजे चला जाता था, रात को फिर 12-1 बजे आता था। वो हमारा ख्याल रखता था, कोई भी काम हो हम उसके पास जाते थे, हमें ये काम है, हमारा काम करवाओ। एहसन शाह पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, बहुत बड़ी रकम है, ठीक है, और जो अमीर बलाज का कत्ल करवाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने रैकी की, उन्होंने सारी डिटेल्स दी तिफी भट गोगी भट को, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, ये तो आला पुराने ये तफ्तीश कर रहे हैं, ये तो उनको बेहतर पता होगा। हमारे ख्याल से उनको पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि वो खानदान नहीं रही थे, उनके बाप भी सियासत के बिलोंग करते हैं, उसका खुद का प्रॉपर्टी का बिजनेस था वो, ठीक है, वो उसके पास गाड़ियाँ भी 3-4 गाड़ियाँ हैं उसके पास, पैसों के मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है, उनको पैसों की कोई कमी नहीं है। क्या लग रहा है फिर, ये जो एहसन शाह ने मुलाकातें की हैं तिफी भट से, गोगी भट से, इसके पीछे क्या वजह होगी, क्योंकि ये तो अमीर बलाज के दुश्मन थे? ये तो अब उनको बेहतर पता होगा, और भी कोई वजह तो हो सकती है, ज़ाहिर बात सियासत प्रॉपर्टी के काम है, हर किसी से मिलना जुलना होता है। अच्छा, 14 साल की दुश्मनी है, और लोग जो सुन रहे हैं ना, वो दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पे भी लानत भेज रहे हैं। सही, ये लोगों का, हर बंदे का अपना अपना सोच का तरीका है, अपना अपना नजरिया है। हमारे साथ आता था, मिलता था, बातचीत करता था, हमारे लिए तो वो अच्छा है, अब लोगों के लिए क्या है क्या नहीं वो तो हमें नहीं पता। दाद कैसी थी उसकी? वो कभी उसने बदतमीजी से बात नहीं की, कभी उसने कभी गाली गलोच नहीं की, बड़े प्यार से बड़े अदब से बात करता था। जब भी कोई दाता साहब का उर्स होता था या महरम वगैरह होता था, इधर लंगर लगा के लोगों को तकसीम करता था।
गरीबों को लंगर वगैरह देता था, अब रोजे आ रहे, रोजों में गरीब आते थे राशन वगैरह लेने, उनको ये सारा कुछ मुहैया करता था। मुझे ये बताइएगा कि अगर एहसन शाह पूरी तरह से मुलविस निकलते हैं अमीर बलाच के कत्ल में, तो क्या दोस्ती जैसे जो रिश्ता है इस पर हमारा यकीन रह जाएगा? और अगर वो निकलते हैं तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए? अगर निकलते तो सजा मिलनी चाहिए, अगर बेगुनाह है तो उनको बाइज़त बड़ी करना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे जो एहसन शाह के अहले इलाका हैं, मोहल्लेदार हैं, उनकी आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, क्या वाकई जो है दोस्ती के नाम पे, 14 साल की दोस्ती के नाम पे जो है एक धब्बा लग चुका है, क्या आप दोस्ती जैसे पाक रिश्ते पे कोई यकीन करेगा या नहीं? आपसे मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।